आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। इस वक्त की खास खबर कुछ इस प्रकार है। श्रीगंगानगर जिले में कुछ कस्बों में बारिश, मौसम हुआ सुहाना। अनूपगढ़, रायसिंहनगर, करणपुर रहा सूखा। श्रीगंगानगर शहर और केसरी सिंहपुर सीमा क्षेत्र में झमाझम बारिश। श्रीगंगानगर जिले के कुछ क्षेत्रों में आज सुबह ठंडी हवाओं से मौसम का मिजाज बदल गया। दोपहर को जहां अनूपगढ़, रायसिंहनगर, करणपुर क्षेत्र सूखा रहा, वहीं श्रीगंगानगर शहर और केसरी सिंहपुर के सीमावर्ती गांव में अच्छी बारिश से लोगों को राहत मिली है। पिछले 10 दिनों से आंधी झेल रहे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बारिश से गांव की गलियां जलमग्न हो गई। दौलतपुरा के आसपास के कई गांव में 7 से 8 अंगुल बारिश हुई। श्रीगंगानगर शहर में भी विशेषकर पुरानी आबादी क्षेत्र में अधिक तो सुखाड़े सर्किल, इंदिरा कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, जवाहर नगर क्षेत्र में कम बारिश हुई। यह बारिश फसलों के लिए वरदान साबित होगी। पानी की कमी से झुलस रही नरमा कपास की फसल को फायदा होगा। वहीं किसान ग्वार की बुआई भी कर सकेंगे। कृषि अनुसंधान अधिकारी मिलिंद सिंह ने बताया कि इस वर्षा से फसलों को नया जीवनदान मिला है। खरीदें सैमसंग स्मार्टफोन और पाए 9,000 रूपए तक का पेटीएम कैशबैक। MSI सभी ब्रांडेड मोबाइल 0% ब्याज पर उपलब्ध, शर्तें लागू। आकाश टेलीकॉम, 26C ब्लॉक, श्री गंगानगर। फिलहाल खास खबर में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।